अमेरिका वाराणसी, जहां आईआईटी बीएचयू में एक छात्रा से गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने वाले सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। करीब दो महीने बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये आरोपी बुलेट बाइक से आईआईटी कैंपस में घुसे थे और आधी रात में दोस्त के साथ चल रही लड़की को बंधक बनाया और तब गैंगरेप हुआ था। घटना के दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। खबरों की माने तो गिरफ्तार सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं और पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल की गई बुलेट बाइक भी ढूंढ ली है। आरोपियों के नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। पूरी घटना क्या है? दरअसल वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप हुआ, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। दरअसल लड़की अपने दोस्त के साथ टहल रही थी। समय आधी रात का था, तभी बाइक सवार तीनों युवकों ने इस सनसनीखेज दरोगी को अंजाम दिया। करीब आधे घंटे तक आईआईटी की छात्रा को बाइक सवार युवकों ने निर्वस्त करके उसके साथ पहले अभद्रता की और फिर उसका गैंगरेप किया। ये सब कुछ 1 और 2 नवंबर की देर रात करीब 1 से 2 के बीच की घटना है। लड़की अपने दोस्त के साथ कैंपस में सुनसान एरिया में घूम रही थी, इसी दौरान ये बाइक सवार वहां पहुंचते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उनके पास गन भी थी और गन के बल पर ही, यानी कि गन पॉइंट पर पहले तीनों ने लड़की के दोस्त को बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद लड़का उसके दोस्त को बंधक बनाए रखा, जबकि दो लड़कों ने लड़की के साथ आधे घंटे तक उसके पहले कपड़े उतारकर सामूहिक दुष्कर्म किया। इस पूरे मामले में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, जिसके बाद 8 नवंबर की रात में वाराणसी पुलिस ने छेड़छाड़ वाले मामले में गैंगरेप और बंधक बनाने की धारा भी जोड़ी थी। दरअसल इस बात की पुष्टि वाराणसी कमिश्नरेट ने की। दरअसल दोनों दोस्त घूम रहे थे और करमन बाबा मंदिर की तरफ पहुंच गए। ये जगह थोड़ी सी सुनसान रहती है, अंधेरा भी रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस होने की वजह से दोनों खुद को सुरक्षित मान रहे थे। उसी रात उसी समय तीन लड़के बाइक पर आते हैं और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। पहले दोनों को अलग अलग किया गया, लड़की को सुनसान जगह पर ले गए। दोनों लड़कों लड़की का मुंह दबा लिया ताकि वो शोर ना मचा सके। इसके बाद लड़की को दोनों ने किस भी किया और फिर उसके सभी कपड़े उतार लिए। आरोपी ने लड़की का न्यूड वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। इस दौरान लड़कों ने पीड़िता का न्यूड रहते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया और उसी के दम पर वो उसे डरा रहे थे, धमका रहे थे, उसका नंबर भी लिया। किसी तरह लड़की भागते हुए पास के प्रोफेसर के घर तक पहुंच जाती। इसी दौरान बाइक की आवाज़ आई तो सुनकर वो डर गई, कुछ देर तक चुप रही, फिर वो हिम्मत करके प्रोफेसर के घर तक पहुंची, उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद सिक्योरिटी और तमाम अधिकारियों को रात में ही सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। अगले सुबह 2 नवंबर से छात्रों ने घटना जो आग की तरह फैल गई थी, जिसके बाद छात्र सड़क पर उतर आए और विरोध करने लगे थे। ये पूरा मामला है। फिलहाल 14 दिन की पुलिस रिमांड पर तीनों को भेज दिया गया है। तीनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों लड़के छुपने के लिए मध्य प्रदेश भी पहुंच गए थे और चुनाव प्रचार में जुटे, और जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे कुछ समय पहले ही वाराणसी आए और चुप चुप कर रहने लगे। आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन की। छानबीन के करीब 2 महीने बाद वो तस्वीर निकल कर सामने आई, जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।